खबरनामा के प्रायोजक हैं रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सेवानिवृत्त शिक्षकों को बकाया राशि न मिलने से शिक्षक संघ में आक्रोश, और बात होगी पदोन्नत कर भरे जाए परिषदीय विद्यालयों के रिक्त पद। फिर बात करेंगे आधी तूफान से सीतापुर की चारों डिवीजन में ठप हुई बिजली की आपूर्ति, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में सीएम योगी, अफसरों के संघ की बैठक, कई अधिकारी निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ओ लेवल सीसीसी कंप्यूटर निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 21 जून तक होगा ऑनलाइन आवेदन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 18 जून तक कर सकते हैं आवेदन। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत, वट व्रज का किया पूजन। आंधी ने आम बागवानों के मंसूबों पर फेरा पानी, लाखों की कीमत का टूटा कच्चा आम। पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी के नियमों को लागू करने पर दिया जोर। दुधुआ नेशनल पार्क के बफर जोन में चोरी कर काटी जा रही कीमती लकड़ी। यूपी में खाली पदों पर तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, सीएम योगी ने दिए निर्देश। गोरखपुर में घमंड तोड़ने की बधाई पोस्टर पर खड़ा हुआ विवाद। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर के परिषदीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक शिक्षिकाओं के देय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मामले को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से एक पत्र वित्त एवं लेखा अधिकारी को सौंपा गया है। पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए अथवा दिवंगत हो चुके शिक्षक शिक्षिकाओं के देय का भुगतान कब तक होगा या कोई जानकारी भी नहीं दे रहा। संघ जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने त्वरित कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा की स्थिति में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से पदोन्नत न हो पाने के कारण तमाम पद रिक्त हैं। यही नहीं, विद्यालयों में छात्र के अनुपात में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह को पत्र सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने पदों के सापेक्ष विद्यालयों में तत्काल पदोन्नति करते हुए नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र की तरफ ध्यान भी आकृष्ट कराया है। संसदीय सीट मिश्रिख से चौथी बार सांसद चुने गए अशोक रावत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इनकी शानदार जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों में भारी उत्साह है। हरदोई जनपद स्थित उनके आवास पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। शुभकामनाएं प्रेषित करने वालों में मिश्रिख विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक राम किंकर पांडे, गोंदला मऊ प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, भाजपा नेता सुधीर शुक्ला सहित तमाम लोग शामिल हैं। इस दौरान सांसद अशोक रावत ने कहा कि मां ललिता देवी के आशीर्वाद से उन्हें जनता ने फिर सांसद बनाया है। वह क्षेत्र का विकास कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बुधवार रात आई तेज आंधी से सीतापुर की चारों डिवीजन में कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। आधी से लगभग 80 पोल टूटे हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति गुरुवार की शाम तक सुचारू रूप से बहाल नहीं हो सकी है। अधीक्षक अभियंता नंदलाल ने बताया कि मिश्रिक, मछरेटा, सदना, नेरी, पिसावा, परसेंडी, तालगांव, रामपुर, मथुरा सहित कई जगहों पर करीब 80 पोल टूटे हैं।
बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्मचारी लाइन दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। आंधी तूफान से मानपुर, कुतुबनगर, रामपुर, मथुरा सहित कई जगहों पर छप्पर उखड़ गए हैं। आम बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया, ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया 8 जून से 21 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया, समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें सीतापुर में निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चल रही हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं 7 जून से 18 जून के मध्य जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया, सिविल सेवा परीक्षा PCS, JEE, NEET, NDA, CDS आदि की तैयारी मार्गदर्शन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने व्रत रखते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। सुहागिनों ने वट वृक्ष के पास पहुंचकर घर में तैयार किए गए पकवान और पूजन सामग्री, फल आदि अर्पित कर पति की लंबी आयु की कामना की। वट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटकर 108 परिक्रमा और पूजन के बाद व्रत तोड़ा। सीतापुर शहर सहित समूचे जिले में परंपरा अनुसार सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा की। मिश्रिक नगर के मोहल्ला थोक दधीज कुंड शेषनाथ मंदिर पर सुहागिनों ने पहुंचकर पूजन अर्चन किया। शहर के वार्ड लोनियन पूर्वा पश्चिमी के श्रीनगर कॉलोनी खूबपुर में पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है। तेज आंधी में शिव मंदिर पार का पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे बिजली के कई तार भी टूटे। नागरिकों ने इसकी सूचना बिजली विभाग और नगर पालिका प्रशासन को दी है। बिजली की आपूर्ति बहाल न होने से पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। नगर मिश्रिक में निर्माणाधीन सड़क का कार्य धीमी गति से किए जाने से नागरिकों में नाराजगी है। मोहल्ला थोक खाकी सराय के लोगों का कहना है कि बारिश का मौसम आने वाला है, सड़क निर्माण की गति धीमी है, ऐसे में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होगी। मोहल्ले वासियों के मुताबिक सड़क का निर्माण सांसद निधि से डूडा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। ठेकेदार की तरफ से निर्माण में लापरवाही बरती जा रही। बुधवार की रात बारिश होने से कई जगहों पर जल भराव भी हुआ। किसान नेता मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। आरोप है कि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के मनीष त्रिपाठी का कहना है कि जिले के एक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन मांग के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही है। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों के 9 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक थाना बिस्वा क्षेत्र में मोहल्ला पुतवारी टोला निवासी वारंटी विनोद, थाना हरगांव क्षेत्र के महाराज नगर निवासी आदेश कुमार, पाक्सो एक्ट में वांछित शामीन उदनापुर कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह थाना मोहली पुलिस ने मोहली निवासी गिरीश कुमार, खैराबाद पुलिस ने अहमदपुर निवासी वारंटी राजेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेवसा पुलिस ने रेवसा कस्बा निवासी इंद्रेश कुमार व जगदीशपुर निवासी पन्ने सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना महमूदाबाद पुलिस ने कुरैसी मार्ग कटरा निवासी कैसर जहां को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अधिकारी ने बताया, सभी गिरफ्तार किए गए वांछितों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मिश्रिक ब्लॉक के पिसावा थाना क्षेत्र के आम बागवानों को भारी नुकसान पहुंचा है। थानपुर के मजीद ने बताया कि फसल काफी टूट गई है, फसल के अलावा कई पेड़ भी टूटे हैं। सर्वर के मुताबिक उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में लंबा समय लगेगा। मछरेटा क्षेत्र के आम बागवान वकील बेग का कहना है, उन्होंने 100 बीघे की बाग खरीदी है। आंधी से लगभग 70 लाख की कीमत का कच्चा आम टूट गया है। वकील बेग ने आई इंडिया से अपना दर्द भी साझा किया। आम बागवानों के अलावा मछरेटा क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। लगभग 150 गांवों में आपूर्ति पोल गिर जाने से ठप हो गई है बिजली। SDO इसके वर्मा ने बताया, 33,000 लाइन के 6 पोल टूटे हैं, जिसके अलावा बनियामऊ कुंदौली में करीब 25 पोल टूटे हैं। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति गुरुवार की देर शाम तक बहाल नहीं हो सकी। आंधी तूफान से इमलिया गांव में रखा ट्रांसफार्मर जमीन में गिर गया है, जिससे 230 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई है। चंदनापुर तालगांव पावर हाउस के जे विजय प्रकाश ने बताया, अधिकतर पोल पेड़ गिरने से टूटे हैं।
थाना मानपुर क्षेत्र के बैरैचा गांव में आम बागानों का काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा एसटी लाइन पर पेड़ गिर जाने से तार टूट गए, जिससे बिजली की आपूर्ति ठप हुई है। कमरिया रोड से मानपुर मार्ग पर भारी भरकम पेड़ गिर जाने से आवागमन काफी देर तक प्रभावित रहा। कुतुब नगर रामपुर क्षेत्र में आई तेज आंधी से आम बागवानों का काफी नुकसान हुआ है। एसपीजीएम कोतवाली सिधौली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अंतर जनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना रेवसा क्षेत्र के ग्राम लोनियन पुरवा बेदौरा निवासी विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि विजय कुमार को कोतवाली सिधौली क्षेत्र में लक्ष्मणपुर मुडादी जाने वाले मार्ग पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया विजय कुमार के खिलाफ कई मामलों में अलग अलग जिलों में अभियोग पंजीकृत हैं। अपर जिला जज एवं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सीतापुर के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला सूचना अधिकारी सीतापुर लाल कमल को सम्मानित किया है। अपर जिला जज ने सूचना अधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया एवं सुखद भविष्य की कामना की। विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने बताया कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी। उन्होंने बताया विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत नाई, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची और धोबी आदि ट्रेडों पर 10 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। पीएन सहगल इंटर कॉलेज कनवाखेड़ा सीतापुर, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25 फॉर क्लास 9th and 11th। ट्रेन्ड हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। कॉन्टेक्ट नाउ फॉर योर चिल्ड्रंस ब्राइट फ्यूचर। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। राजा टोडरमल स्मारक समिति की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन 8 जून को किया गया है। समिति के अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया कि भंडारा राजा टोडरमल पार्क कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 2 बजे से आयोजित होगा। इसमें राजस्व सुरक्षा सेवा दल किया भी पूरी तरह सहयोग मिल रहा है। उन्होंने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। सिधौली तहसील क्षेत्र के ठिठूरा गांव में बिजली आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है। तमाम शिकायतों के बाद भी समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को ठिठूरा गांव के ग्रामीणों सिधौली उपकेंद्र पहुंचकर एक शिकायती पत्र जेई आकाश श्रीवास्तव को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया पूरे गांव में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती, लाइन के तार जर्जर हैं जो अक्सर टूटकर गिरते रहते हैं। उन्होंने लाइनमैन पंकज कुमार पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन सामान्य को गुलाब के फूल पत्रक वितरित कर बधाई दी गई। स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी नामक आंदोलन करने की स्वर्ण जयंती और 50 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में भव्य आयोजन हुआ। बता दें भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को बिहार प्रदेश की राजधानी पटना में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय 5 लाख छात्रों को स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेसी नामक आंदोलन हुआ था। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 92वां जन्मदिन भी मनाया गया। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सदर न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने पर्यावरण संरक्षण के लिए NGP के नियमों को लागू करने का जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए अब तक किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की जानकारी ली। न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा कि जिले में मुख्य बिंदुओं को चिन्हित करके अच्छा प्लान तैयार करें। इससे पूर्व लखीमपुर खीरी पहुंचने पर DM महेंद्र बहादुर सिंह, SP गणेश प्रसाद शाह, CDO अनिल कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया।
बैठक में डीएफओ संजय बिस्वाल, दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी न्यायालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। संकल्प लिया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला सहित अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में वट सावित्री व्रत की धूम रही। सुहागिनों ने वट व्रज के पास पहुंचकर पूजा अर्चना की। कच्चा धागा लपेटकर 108 परिक्रमा करते हुए पति की दीर्घायु की कामना की। सुहागिनों ने पूजन अर्चन का सिलसिला भोर से शुरू कर दिया था, जो दोपहर तक चलता रहा। नगरपालिका गोला चेयरमैन विजय शुक्ला रिंकू की तरफ से पूजन स्थल पर बेहतर व्यवस्था कराई गई थी। दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन रेंज बिलराया में कीमती लकड़ी का कटान थम नहीं रहा है। बैरमपुर चौकी क्षेत्र से जंगल वाले एरिया में इमारती लकड़ी बड़े पैमाने पर काटी जा रही है। बताया जाता है वन विभाग के पड़ोस में स्थित वाचर आवास के समीप लकड़ी पाई गई है, जिसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क के चीफ डायरेक्टर ललित वर्मा ने बताया मामला संज्ञान में है। एसडीओ मनोज तिवारी को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। नगर पंचायत मैलानी की कान्हा गौशाला में पौधरोपण किया गया। विश्व पर्यावरण के मौके पर चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी ने पौधा रोपा। इस दौरान गायों को गुड़, चना, तरबूज खिलाया गया। साथ में ईओ मैलानी, चेयरमैन पति भवानी शंकर माहेश्वरी, गुरमीत कौर आदि मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला चिकित्सालय एमसीएच विंग मोतीपुर ओएल खीरी में पौधरोपण किया गया। सीएमएस डॉक्टर आर के कोहली, डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा ने पौधरोपण करते हुए वृक्षों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर आम, अमरूद, आंवला आदि के पौधे रोपे गए। पौधरोपण का काम सीएमओ ऑफिस में भी किया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर एस के मिश्रा, पंकज शुक्ला, अमरेंद्र सिंह, शशांक श्रीवास्तव, मयंक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के मितौली में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम खिलावन भार्गव ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मैच में साई क्रिकेट क्लब मितौली ने जीत दर्ज की। कस्बे के खेल मैदान पर आयोजित टूर्नामेंट देखने के लिए तमाम दर्शकों की भीड़ उमड़ आई। साई क्रिकेट क्लब मितौली ने बेहजम की टीम को पराजित किया। लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। बुलंदशहर में खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले जिला पूर्त अधिकारी सुनील सिंह, जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिया अहमद, विपणन निरीक्षक सुधीर कुमार और पूर्त निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू के मुताबिक ट्रांसपोर्ट फार्मेसर्स रविंद्र सिंह को ब्लैक लिस्टेड करते हुए खाद्य विभाग से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। सीएम ने कहा कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और वहां नियुक्ति की जानी है, वहां से तत्काल आयोगों को प्रस्ताव भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की योजनाओं की समीक्षा की निर्देश दिए कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण में तेजी लाई जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे। माना जा रहा है अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से त्याग पत्र देंगे और कन्नौज लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है। फैजाबाद से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे फेल हो गए हैं। भाजपा के अहंकार को जनता ने खत्म किया है। सपा सांसद ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को एक तिहाई सीट भी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी प्राची ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह करारी हार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की वजह से हुई है। भाजपा कार्यकर्ता आहत है। उन्होंने सुझाव दिया कि भाजपा के हाईकमान को कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए, नहीं तो स्थितियां और भी बिगड़ेंगी। साध्वी प्राची ने दावा किया कि 2027 में हार की भरपाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं, पार्टी नेताओं की तरफ से कार्रवाइयां भी की जाने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा सहारनपुर सीट से बसपा कैंडिडेट रहे माजिद अली और उनके भाई कमरून खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जाता है कि KRK ने बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद BSP ने प्रत्याशी माजिद अली और उनके भाई दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताते हैं कि बसपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में बसपा की हार का जिम्मेदार मुस्लिम समाज को बताया था।
इसी पोस्ट पर केआरके ने टिप्पणी की और यह ट्वीट वायरल हुआ। यूपी के गोरखपुर में घमंड तोड़ने की बधाई पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कुछ लोगों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त गौरव सोगरवाल ने बताया कि कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा जा चुका है, पोस्टर हटवाए जा रहे हैं, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार की तमाम शक्ति के बाद भी भ्रष्टाचार थम नहीं रहा। ताजा मामला बरेली जनपद से सामने आया है, जहां एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ ऑफिस से प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। टीम के मुताबिक सीएमओ ऑफिस के बाबू देवेंद्र को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह क्लेम पास करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया, रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बताया कि संबंधित कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 घंटे से अधिक समय तक अफसरों की मैराथन बैठक ली। सीएम आवास पर हुई बैठक के दौरान सीएम ने प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आए दिन हो रही मार्ग दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने दुख और नाराजगी जताई। उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात विभाग से निर्देश दिया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।